आजाद भारत में आजाद सोच की हत्या पर पूरे देश में शोक की लहर है। जहां पत्रकार जगत गौरी लंकेश की हत्या को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, तो वहीं आमजन भी हत्या के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। जगह जगह इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन राजनेता हैं कि इस पर भी अपनी सियासत चमका रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी राज्य सरकार को घेरने में जुटी है। इन सबके बीच सवाल ये है कि क्या वाकई लोकतांत्रिक देश में बोलने के लिए आजाद है हम। कन्नड़ की वरिष्ठ महिला पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी के राज में खास विचारधारा लोगों पर थोपी जा रही है, लेकिन सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। वैसे तो पीएम हर मामले में ट्वीट करते हैं, लेकिन एक पत्रकार की हत्या पर वो मौन क्यों हैं? उन्होंने कहा कि अब तो बीजेपी सरकार में लोगों की आवाज उठाने वाले पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात कर उचित कार्रवाई की मांग भी की। जहां एक और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पत्रकार लंकेश की हत्या मामले में बीजेपी सरकार को घेर रहे थे, वहीं बीजेपी के मंत्री ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस की राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि हम गौरी लंकेश की हत्या की निंदा करते हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए, दोषियों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पिछले 2-2.5 साल से राजनीतिक हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, मुख्यमंत्री नाकाम हो चुके हैं। गौरी लंकेश की हत्या के बाद लोगों में काफी गुस्सा है और हर कोई इस घटना की कड़ी आलोचना कर रहा है। विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। बेंगलुरु में बीती रात लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई में भी गौरी लंकेश की हत्या के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।